पति पत्नी का जीवन एक दूसरे का पूरक माना जाता है। एक दूसरे के बिना जीवन को बिताना काफी मुश्किल भरा काम होता है, इसलिए पत्नी अपने पति को मृत्यु से बचाने के लिए कई प्रयास करती है, जैसे करवा चौथ की पूजा रखना, वट सावित्री की पूजा करना, साथ ही धार्मिक यात्राएं करना शामिल है। लेकिन फिर भी व्रत होने से पहले पति की मृत्यु हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई पत्नी ये तीन गलतियां करती है तब उसका पति मृत्यु को प्राप्त करता है, बाद में पत्नी अकेली पड़ जाती है। यदि आप भी ये तीन गलतियां करती हैं तो उन्हें आज से ही सुधार दें। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। नारी की सबसे पहली गलती, जब कोई नारी खास तौर पर करवा चौथ या वट सावित्री व्रत के दौरान चुपके से भोजन कर लेती है या पानी भी पी लेती है तो निकट भविष्य में पति की मृत्यु के योग बनते हैं। यदि नारी ऐसे व्रत रखे तो उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ पूरा करें। नारी की दूसरी गलती, बात बात पर पति की झूठी कस्में खाना, पति से झगड़ा करना, पति को गंदी गालियां देना घोर पाप के समान माना गया है। निकट भविष्य में ऐसे रिश्ते टूटकर बिखर जाते हैं और युवावस्था में पति की मृत्यु हो जाती है, इसलिए पत्नी को ये गलती नहीं करनी चाहिए। नारी की तीसरी गलती, जब कोई नारी अपना मंगलसूत्र उतार देती है और मांग भी सुनी रखती हो, हाथ पैर में कोई आभूषण नहीं पहनती हो, तो ऐसी स्थिति में व्रत होने से पूर्व ही पति की मृत्यु हो जाती है। मित्रों, वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।